सब्सक्राइब करें माई यात्रा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माई यात्रा। दिस इज़ पायल कश्यप। आज के इस वीडियो में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट नॉलेज शेयर करने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, जब जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से यानी सरकारी स्वास्थ्य केंद्र की तरफ से आपको बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, बट आपको पता ना होने के कारण आप उनसे अनछूते रह जाते हैं। वहाँ टीकाकरण आपको फ्री होता है, वहाँ आपको आयरन कैल्शियम की दवाएं फ्री मिलती है। बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पता होती हैं, बट बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें नहीं भी पता होती हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप जान लीजिए कि सरकारी जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वो प्रेगनेंसी टाइम में आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। वहाँ आयरन कैल्शियम सारी चीज़ों की दवाएँ मिलती हैं, छोटी मोटी अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसके चेकअप की सुविधाएं होती हैं, और आपका जो टीका होता है वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ही लगता है। तो ये सारी सुविधाएं आपको स्वास्थ्य केंद्र से वहाँ मिलती हैं। बट एक और चीज़ है जो आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। दोस्तों, आंगनबाड़ी का नाम आपने सुना होगा। आंगनबाड़ी जो केंद्र होते हैं, वहाँ जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं, जब उनकी डिलीवरी हो जाती है, तो उसके बाद उन्हें बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जो बहुत सारे लोगों को क्या, बहुत ज़्यादा लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होती हैं। मिडिल क्लास लोग हैं, जो बिल्कुल लोअर क्लास के लोग हैं, हर किसी के लिए अगर ये सुविधा उन्हें मिलती है तो उन्हें लेना चाहिए, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें आपको देते हैं खाने के लिए जो आपको बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। ऐसे पोषक तत्व वाली चीज़ें देते हैं जो आपको बाहर नहीं मिलेगी, और ना ही आप उसको बेच सकते हैं और ना ही खरीद सकते हैं। वो आपको सिर्फ आंगनबाड़ी केंद्र से ही मिल सकते हैं, जो कि सरकार की तरफ से प्रोवाइड कराए जाते हैं। माँ को भी मिलते हैं और उसके होने वाले बच्चे के लिए भी होता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ जो सरकार की तरफ से आपको प्रोवाइड की जाती कराई जाती है, वो है आपका नमकीन दलिया के पैकेट्स, मीठी दलिया के पैकेट्स और लड्डू के पैकेट्स, जो कि माँ के लिए अलग होते हैं और बच्चे के लिए अलग होते हैं। बच्चे में बच्चे की तस्वीर बनी हुई होती है, और माँ के लिए ये देखिए माँ की तस्वीर बनी हुई होती है। तो दोनों ही पैकेट्स आपको मिलते हैं। तीन पैकेट्स आपको हर महीने आंगनबाड़ी की तरफ से प्रोवाइड किया जाता है। इसमें लिखा भी हुआ है ऊपर, उत्तर प्रदेश सरकार का एक ही सपना, कुपोषण रहित प्रदेश हो अपना। तो सरकार ने ये गर्भवती महिलाओं के लिए और उनके बच्चे के लिए, दोनों के लिए ये बहुत ही अच्छी सुविधा दे रखी है। इसके बहुत सारे फायदे हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशंस मिले हुए हैं। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि आपके शरीर में हुई कमियों को पूरा करने में बहुत ज़्यादा सहयोग देती है। जैसे कि इसमें आपको कैल्शियम, आयरन, विटामिन, थायमिन और राइबोफ्लेविन, नियासिन, विटामिन सी, फॉलिक एसिड, ये सारी कमियों को दूर करने में ये लड्डू और दलिया के पैकेट्स बहुत ज़्यादा मददगार होते हैं। इसमें बनाने की विधि भी आपको मिल जाती है, लिखी हुई है। अभी मैं आपको बता भी देती हूँ कि आप इसको बना कैसे सकते हैं। फिर उसके बाद आपको जो इसमें नमकीन दलिया के पैकेट्स हैं और मीठी दलिया के पैकेट्स हैं, इसमें आपको गेहूं, चीनी, सोयाबीन, चना, मूंगफली, वनस्पति तेल, ये सारी चीज़ें मिलकर के ये दलिया की पैकेट्स बनी हुई होती हैं। तो इस तरीके से आपको दलिया और लड्डू के पैकेट्स मिलते हैं। इसमें आपको किस जगह से ये दलिया आती है, ये है आपका उत्तर प्रदेश सरकार बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा लखनऊ मंडल के जनपद से ये आती है, और ये आपको कहीं भी ना मिल सकती है, और ना ही आप इसको खरीद सकते हैं, ना ही बेच सकते हैं। यानी कि आपको सिर्फ आंगनबाड़ी सरकार द्वारा ही प्रोवाइड कराई जाती है। 3 महीने तक इसकी वैलिडिटी होती है, 3 महीने तक ही आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको बनाना कैसे है। जो नमकीन और मीठी दलिया है, उसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ पानी से आपको इसको उबालना है। जैसे कि आप घर में खिचड़ी बनाती हैं, वैसे ही आपको इसको बनाना है। मीठी दलिया को आप चाहे तो दूध से ले सकती हैं, चाहे तो आप नॉर्मल ले सकती हैं। उसमें थोड़ी सी अगर चीनी आपको कम लगती है तो चीनी ऐड कर सकती हैं। तो इस तरीके से आप मीठी दलिया का सेवन कर सकती हैं। और जो नमकीन दलिया है, आप घर में नमकीन दलिया बनाती हैं, कुछ सब्जियाँ डालना चाहें तो सब्जियाँ डाल सकती हैं। अदरवाइज़ ये नॉर्मली आप जीरे और मिर्चे से छौंक लगा करके ही बना लेंगी तो भी बहुत ही फायदा करेगा।
अब नेक्स्ट दोस्तों बात कर लेते कि लड्डू के पैकेट्स को कैसे यूज़ में लाना है। तो ये आप देख रहे हैं कुछ भूरा इस तरीके का दिख रहा है, इसे चीनी की चाशनी बना करके आप इस तरीके से भूरे को मिक्स करके लड्डू बना सकते हैं। चाहे तो उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सिंपल भी आप इसको बना करके खा सकते हैं। दिन में 1 से 2 लड्डू ज़रूर खाएँ, खुद भी खाएँ और बच्चे को भी खिलाएँ। और इसके अलावा आप इसको हलवा के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। जैसा आप नॉर्मली सूजी और आटे का हलवा बनाते हैं, ऐसे इसको हलवा भी बना करके खा सकती हैं। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपके बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशंस मिलेंगे, आपको मिलेंगे, और दूध की जो क्वालिटी, अगर आप स्तनपान करा रही हैं तो दूध की क्वालिटी इम्प्रूव होगी, और जिन माओं को दूध नहीं हो रहा है उन्हें प्रॉपर मात्रा में दूध आने लगेगा, जिससे वो अपने बच्चे को प्रॉपर दूध दे सकें। सो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। और न्यूली बॉर्न बच्चों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ मेरे लिंक पर पड़ी हुई हैं, आप प्लीज़ जा करके उसको देख सकते हैं, आपकी हो सकता है कि कुछ ऐसी मदद हो जाए जिसकी आपको ज़रूरत हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, अगर पसंद नहीं आई तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार अगर विजिट किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।